सो हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपना अकाउंट केवाईसी कैसे करें। तो दोस्तों, आप कर सकते हो बिल्कुल ही आसानी से। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में फ़ोन पे डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, प्ले स्टोर से आपको सबसे पहले अपना फ़ोन में फ़ोन पे डाउनलोड करना है। दोस्तों, सबसे पहले आप प्ले स्टोर में चले जाएंगे। प्ले स्टोर में जाके आपको फ़ोन पे डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों, जैसे डाउनलोड करके सबसे पहले आपको अपना फ़ोन पे ओपन करना है। दोस्तों, तो चलिए मैं अपना फ़ोन पे ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मैं पहले से डाउनलोड कर रखा हूँ, अपना पेटीएम बैंक बना रखा हूँ। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपना फ़ोन पे ओपन कर लेना। फ़ोन पे ओपन करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो इस तरह का स्क्रीन ओपन हो चुका है। तो आपको यहाँ पे चेक बैंक बैलेंस पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे चेक बैंक बैलेंस पे क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं क्लिक कर लिया चेक बैंक बैलेंस पे। तो मेरा पेटीएम बैंक पहले से पेटीएम बैंक अकाउंट खुला है। तो दोस्तों, मैं पेटीएम बैंक अकाउंट से अपना फ़ोन पे चलाता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल आसानी से। तो मैं ये अभी मेरा एटीएम कार्ड नहीं है, इसलिए मैं केवाईसी नहीं किया हूँ। मेरा जब तक एटीएम कार्ड नहीं रहेगा, अब तक केवाईसी नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इस पर आपको क्लिक करके दिखाता हूँ आप केवाईसी कैसे करेंगे बिल्कुल ही आसानी से। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने निशान दे रखा है। तो यहाँ पर आपको एटीएम का 6 नंबर डालना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अकाउंट नंबर मेरा ऐड है, तो आपको यहाँ पर अपना एटीएम का 6 अंक डालना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप अपने एटीएम नंबर का 6 अंक डाल लेंगे, एटीएम का नंबर 6 अंक डाल लेंगे बिल्कुल ही आसानी से। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आप कोई भी नंबर डाल के आप कैसे करेंगे जाके अपना एटीएम नंबर डाल सको। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे डालूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे महीना, यहाँ पे डेट वर्क देना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ भी सिलेक्ट करके आज दिखाने वाला हूँ, तो आप कर सकते हो ऐसे बिल्कुल से। बस यहाँ पे आपको एटीएम नंबर देना है, यहाँ पे डेट वर्क सिलेक्ट करना है आपको बिल्कुल आसानी से। दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ भी पिन दर्ज कर लिया हूँ। कुछ भी पिन दर्ज करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे डेट वर्क दे के यहाँ पे इस पर क्लिक करके दोस्तों, कुछ देर वेट कर लेना है ओटीपी का। तो दोस्तों, मेरा ओटीपी आएगा, कुछ देर वेट कर लेते हैं। दोस्तों, आप बिल्कुल ही आसानी से केवाईसी कर सकते हैं मेरी वीडियो देख के। दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरा ओटीपी आ चुका है। तो इसी तरह आप जैसे एटीएम नंबर डालेंगे तो आपके फ़ोन में ओटीपी आ जाएगा। तो दोस्तों, मेरे फ़ोन में ओटीपी आ चुका है, तो आप बिल्कुल ही आसानी से कर सकते हो। तो इसी तरह आपके फ़ोन में ओटीपी आएगा, तो आपका ओटीपी यूपीआई पिन अकाउंट का बन जाएगा। तो इसी तरह आप बना लेंगे दोस्तों बिल्कुल ही आसानी से। तो उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। तो आप बिल्कुल ही आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो मोबाइल की स्क्रीन पर, यहाँ पर फिर से ट्राई अर्निंग पर क्लिक करने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर कर सकते हो बिल्कुल ही आसानी से। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। बाय।